गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ लेसन नंबर 13, क्लास 5th। ये ईवीएस का चैप्टर है, प्ले विथ वाटर, पानी के साथ खेलना। ओके, वाटर बिकम्स स्वीट व्हेन शुगर इज मिक्स्ड इन इट। पानी मीठा हो जाता है जब शुगर उसके अंदर मिक्स हो जाती है, मिल जाती है। इज शुगर विजिबल टू यू इन वाटर। क्या शुगर आपको पानी में दिखाई देती है? शुगर गेट डिजॉल्व इन वाटर। शुगर जो है वो पानी में घुल जाती है। सो इट इज़ नॉट विजिबल इन वाटर, तो वो पानी में दिखाई नहीं देती। कम लेट्स सी वाटर थिंग्स डेट गेट डिजॉल्व इन वाटर। चलो आगे देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं। सीइंग बाय डूइंग, सी बाय डूइंग। ओके, इसमें एक आपको एक्सपेरिमेंट बताया गया है कि 3 ग्लासेस लीजिए, टेक 3 ग्लासेस, फिल दिस ग्लासेस हाफ विथ वाटर। इनको आधा आधा पानी से भर दीजिए। इन वन ऑफ द ग्लास पुट हाफ अ स्पून सॉल्ट एंड शेक द वाटर। एक ग्लास में आधा चम्मच नमक डाल के उसको शेक कर लो, पानी को हिला लो। इन द सेम वे, इसी तरीके से ऐड हाफ अ स्पून शुगर इन अनदर ग्लास एंड इन द थर्ड ग्लास पुट सम अमाउंट ऑफ चॉक पाउडर एंड शेक द वाटर। एक में चीनी डाल दीजिए और उसको शेक कर लीजिए, हिला लीजिए। एक में चॉक पाउडर डाल दीजिए और उसको हिला लीजिए। नाउ कीप ऑल द ग्लासेस स्टेबल फॉर सम टाइम। आप थोड़ी देर के लिए सब ग्लासेस को छोड़ दीजिए। आफ्टर सम टाइम सी व्हाट इज सीन इन ऑल 3 ग्लासेस। थोड़ी समय के बाद आप देखिए क्या दिखाई देता है। ड्रॉ द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड राइट डाउन। अब ये टेबल आप अपनी नोटबुक में बना के देखेंगे कि जो सॉल्ट है वो डिजॉल्व हो गया कि नहीं हुआ। तो इसमें सॉल्ट भी डिजॉल्व हो जाएगा, शुगर भी डिजॉल्व हो जाएगा और चॉक पाउडर भी डिजॉल्व हो जाएगा। आप देखो, यू नोटिस डट शुगर एंड सॉल्ट गट डिजॉल्व इन वाटर। आपने नोटिस किया कि चीनी और जो नमक है वो पानी में घुल जाते हैं। वाइल चॉक पाउडर डजंट गेट डिजॉल्व, जबकि जो चॉक पाउडर है वो नहीं डिजॉल्व होता। आफ्टर सम टाइम दिस चॉक पाउडर गेट कलेक्टेड इन द बॉटम ऑफ द ग्लास। थोड़े समय के बाद जो नीचे वाला तला होता है, बॉटम होता है ग्लास का, वहाँ पे ये इकट्ठा हो जाता है चॉक पाउडर। टेक सम अदर थिंग्स एट योर होम एज। इसके अलावा भी आप अब घर में कोई और चीज़ें भी ले सकते हो, जैसे मिट्टी, गुड़, लाइम, टर्मरिक, चिल्ली, कैरोसिन, वैक्स। इन सब चीज़ों को भी आप देखिए मेन में से कौन सी चीज़ डिजॉल्व होती है पानी के अंदर और कौन सी नहीं होती है। ठीक है, अब क्या आपको पता है, जैसे कि थिंग्स सच एज सॉल्ट, शुगर एंड कॉफ़ी डिजॉल्व इन वाटर। ये तीनों चीज़ें डिजॉल्व हो जाती हैं, सॉल्यूबल हैं, पानी के अंदर घुल जाती हैं। दे यूजुअली डिजॉल्व फास्टर एंड बेटर इन, ये गर्म पानी में और भी जल्दी घुल जाती हैं। लेकिन पेपर और जो मिट्टी होती है, सैंड होती है, वो इनसॉल्यूबल है। ये जल्दी जल्दी पानी में घुलते नहीं हैं, चाहे गर्म पानी हो तो भी। क्विक डिजोल्यूशन लेट डिजोल्यूशन, जल्दी से घुल मिल जाना, लेट घुलना। वाइल ड्रिंकिंग मिल्क सेवरल टाइम यू माइट हैव नोटिस रिमेनिंग शुगर पार्टिकल इन द बॉटम ऑफ द ग्लास। वाई डज दिस हैपन। अब दूध पीते वक्त कई बार आप देखते हो कि चीनी के कई कण नीचे रहते हैं, तो ये क्यों रहते हैं? सी बाय डूइंग, टेक इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन 2 ग्लासेस। दो ग्लासों में एक जितनी मात्रा में पानी ले लो। एक में शुगर डाल दो। स्टिर द वाटर फॉर वन ऑफ द ग्लास विद स्पून एंड डोंट स्टिर द ग्लास आफ्टर सम टाइम। लुक एट द वाटर ऑफ बोथ द ग्लासेस। तो एक स्पून ले लो, एक ग्लास में जो चीनी आपने डाली उसको हिला दो, आप एक को मत हिलाओ। तो आप क्या नोटिस करोगे? सी बैडिंग, अब टेक 2 ग्लासेस मेड ऑफ ग्लास। दो ग्लास ले लो कांच के बने हुए। पोर सम कोल्ड वाटर इन 1 ग्लास एंड सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर इन अदर ग्लास। एक में आप ठंडा पानी ले लो, एक में आप गर्म पानी ले लो। एड सम क्वान्टिटी ऑफ शुगर इन टू बोथ। दोनों में चीनी डाल दो। स्टिर वाटर इन बोथ द ग्लासेस टिल द शुगर गेट डिजॉल्व। पानी को वहीं पे स्टिर रहने दो जब तक चीनी घुलती नहीं है। नोट डाउन हाउ मच टाइम इट टुक इन गेटिंग द शुगर डिजॉल्व इन बोथ द ग्लासेस रिस्पेक्टिवली। तो देखोगे आप कितना टाइम लेते हैं डिजॉल्व होने में। ठीक है, उसके अलावा सो फार यू हैव सीन डैट देयर आर सम थिंग्स विच डिजॉल्व इन वाटर व्हाइल सम डोंट। अभी तक आपने देखा कि कई चीज़ें पानी में घुल जाती हैं, कई नहीं घुलती। सम डिजॉल्व इन लेस टाइम व्हाइल अदर टेक मोर टाइम। कई जल्दी घुल जाती हैं, कई देरी से घुलती हैं। इन कंपैरिजन टू वाटर, कोल्ड वाटर, ठंडे पानी की तुलना से थिंग्स डिजॉल्व फास्टर। गर्म पानी में चीज़ें जल्दी घुल जाती हैं। एंड थिंग्स ऑल्सो डिजॉल्व फास्टर वैन स्टेड। और जब उनको छोड़ दिया जाता है, स्टेड करके छोड़ दिया जाता है, तो उसमें भी वो बहुत जल्दी घुल मिल जाती हैं। द सेम वे यू माइट हैव सीन डैट सम कीप्स ऑन फ्लोटिंग इन वेल्स एंड पॉन्ड्स एक्सेट्रा व्हाइल सम थिंग्स गेट ड्रॉन।
इसी प्रकार आपने नदियों तालाबों में भी देखे कई चीज़ें पानी के ऊपर डूब जाती हैं। नाउ कम एंड सी हाउ डू थिंग्स फ्लोट्स और गेट ड्रॉन इन वाटर। आप कौन कौन सी चीज़ें ऊपर तैरती हैं और कौन सी डूबती हैं। ड्रिंक हाफ अ बकेट ऑफ वाटर इन योर क्लास। आधी बाल्टी पानी ले आओ क्लास में। कलेक्ट सम थिंग्स विच यू विथ योर क्लासमेट। कई चीज़ें कलेक्ट करो अपने दोस्त के साथ, क्लासमेट के साथ। फॉर एग्जाम्पल चौक का टुकड़ा, पेन, रबड़, पेपर, मैस्टिक, स्पंज, की, कॉइन, प्लास्टिक बॉटल फिल्ड विथ वाटर, पानी से भरी हुई, एक्सेट्रा। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को एक एक करके बकेट में डाल दो। अब ये आप देखोगे कौन सी चीज़ इसमें तैरती है और कौन सी ऊपर रहती है। ओके, व्हेन फ्लोटेड एंड ड्रॉन, टेक अ हाफ बकेट ऑफ वाटर एंड पुट अ कैप्ड बॉल पैन इन टू द वाटर। एक हाफ बाल्टी पानी की ले लो और एक बॉल पैन ढक्कन लगा हुआ, पुट अ कैप्ड बॉल पैन ढक्कन लगे उसमें डाल दो पानी में। सी इट फ्लोट और ड्रॉन, क्या वो डूबती है तैरती है। नाउ टेक द पैन आउट ऑफ वाटर एंड दिस टाइम पुट द पैन इन टू वाटर विदाउट कैप। और इस समय इस बार आप उसके कैप उतार के उसको पानी में डालो, अब देखोगे क्या होता है। ठीक है, टेक द पेन आउट ऑफ वाटर, दिस टाइम टेक द रिफिल ऑफ द पेन। आप फिर से क्या करोगे, उसको निकाल दो, रिफिल ले लो अपने पेन की। पुट द पेन कैप एंड रिफिल सेपरेटली इन टू द वाटर अगेन। नाउ विच आइटम फ्लोट, अब देखो कि कौन सी आइटम तैरती है। यू पुट द पेन इन वाटर इन डिफरेंट पोजिशन, आप पेन को अलग अलग पोजिशन में भी डाल सकते हो और एक्सपीरियंस करोगे और अपने नोटबुक में लिखोगे कि आपने क्या देखा, कौन सी चीज़ डूब रही है कौन सी नहीं। उसके अलावा डू दिस आल्सो, टेक हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर एंड पुट द लेमन इन टू इट। हाफ ग्लास पानी लो, उसमें लेमन डालो। नाउ ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट, उसमें नमक डालो। आफ्टर एडिंग 3-4 पिंचेस ऑफ सॉल्ट, व्हाट डू यू नोटिस, क्या नोटिस करोगे आप। डिस्कस इन द क्लास, क्या नोटिस करते हो उसको क्लास में डिस्कस करो। क्या लेमन फ्लोट करता है कि डूब जाता है। Which float on the top? Which float to the top? Take a some transparent bottle of glass or plastic so that things can be seen through. कुछ प्लास्टिक की या कांच की बोतल ले लो जिससे चीज़ें उसमें से आसानी से दिखाई दें। Filled the bottle half with water, आधा पानी से भर दो। Now put 8-10 drops of oil into it, अब उसमें तेल डाल दो। And cap the bottle, और उसको ढक्कन को बंद कर दो, अब उसको हिला लो। See what is seen in the bottle. Now leave the bottle unshaken for some time. Now see what happened. अब आप उसको देखोगे क्या होता है बॉटल के अंदर। थोड़ी देर के लिए बॉटल को वैसे ही छोड़ दीजिए। Did the oil dissolve in the water? क्या तेल तैरने घुल जाता है कि तैरता है ऊपर, ये सब बताना है। One day when the milkman called mother sent Saloni along with a container to bring milk. अब एक दिन जब मम्मी को दूध वाले ने आवाज़ लगाई तो मम्मी ने मुझे एक पतीली दे दी दूध लाने के लिए। देन अंकल द मिल्कमैन मेजर द मिल्क इन लीटर एंड गेव इट टू सलोनी। शी इमीडिएटली सेड अंकल द शॉपकीपर गेव अस शुगर, राइस, पल्सेस, व्हीट एक्सेट्रा मेजरिंग इन किलोग्राम। अब जैसे उसने लीटर में उसको दूध तोल के दिया तो वो कहती है अंकल हमको तो जो है ना हम चीनी, चावल, दालें, गेहूँ लेने जाते हैं तो वो किलोग्राम में देते हैं, आप लीटर में क्यों दे रहे हो। डू यू ऑल्सो गेव मी इन किलोग्राम, इसको आप किलो में नहीं दे सकते हैं। तो अंकल कहते हैं डियर वी मेजर मिल्क कैरोसिन एक्सेट्रा लिक्विड थिंग्स इन लीटर। वो कहता है कि हम तेल, कैरोसिन, दूध ये लीटर में तोलते हैं, जो लिक्विड चीज़ें होती हैं वो लीटर में तोली जाती हैं। दिस डे मिल्क इज ऑल्सो सोल्ड इन बॉटल्स, बोतल में भी आजकल बेचा जाता है। दिस इज़ ऑल्सो मेजर इन लीटर, लेकिन फिर भी इसे लीटर में ही मेजर किया जाता है। ओके, डू दिस आल्सो, टेक 3-4 एम्प्टी यूटेंसिल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, यूज़ 1 लीटर बॉटल टू पोर वाटर इन दिस यूटेंसिल्स एंड सी हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन बी कंटेंड ईच यूटेंसिल्स। खाली बर्तन लेके उसके अंदर आपको बोला गया भी आप देखो उसके क्या पानी डालो, देखो वो कितना यूटेंसिल्स, कितना कितना लीटर पानी भरता है वो बताना है आपको। अब टेक अ हाफ बकेट ऑफ वाटर, पुट एन एल्पिन इन टू इट, सी वॉट हैपन। नाउ टेक द एल्पिन आउट ऑफ वाटर एंड प्लेस इट ऑन ए पीस ऑफ पेपर एंड ड्रॉप इट स्लोली ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। लुक एट इट फॉर सम टाइम्स, वॉट हैपन इफ यू वॉन्ट, यू कैन ऑल्सो रिमूव द पेपर विद द हेल्प ऑफ अनदर एल्पिन। एल्पिन मतलब वो पिन सी होती है जो पिन उसको अटैच करती है। एक हाफ बाल्टी ले लो, उसमें एल्पिन डालो, आप क्या ऑब्जर्व करते हो,
तो ये सारे एक्सपेरिमेंट हैं जो आप अपने घर पे करके इसको आप अप्लाई कर सकते हो. थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटी लाइक शेप, टेस्ट, कलर, साउंड एक्सेट्रा. जो चीज़ें हैं वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होती हैं अपनी कैरेक्टर, अपनी खूबियाँ और क्वालिटीज़ की वजह से. किसी का शेप, किसी का टेस्ट, किसी का कलर, किसी का साउंड, उसके हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल, डिपेंडिंग ऑन द साइज़, ए कॉइन ऑफ रुपीज़ 5, कॉइन ऑफ रुपीज़ 10, टेबल क्लॉक 1 kg, वेट बार 10 kg, वेट बार कैन बी क्लासीफाई एज बींग बिग और स्मॉल. तो साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किलो का है, ज़्यादा का है, तो छोटा या बड़ा होता है उसके ऊपर से उसके मेजर वेट का पता चलता है. वी फाइंड द साउंड ऑफ ए कुकू टू बी स्वीट. सिमिलरली सम साउंड्स आर मेलेडियस, सम रॉकियस, सम लाउड एंड सम वीक. कई साउंड हमें बहुत मीठे लगते हैं, कई हमको गंदे से लगते हैं, कई हमें ऊंचे लगते हैं, कई हमें कमज़ोर लगते हैं. अब इस लेसन में तो सारे में कुछ भी नहीं है, अब आगे है. जैसे डिवाइड द फॉलोइंग आइटम अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी, तो इन चीज़ों को टेस्ट के हिसाब से उनको अपने को चेंज करना है. भाई शुगर मीठी है, सॉल्ट खट्टा है, तो बिटर गुड करेला कोड़ा है, तो आपको बताना है भाई ये कैसा है कैसा नहीं है. ओके, ऑब्जर्वेशन वैल्यू एंड इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, फिगर, बार ग्राफ, पाई चार्ट्स एक्सेट्रा, विच हेल्प टू स्टेट द पैटर्न ऑफ इवेंट्स एंड एक्टिविटी एंड ऑल्सो टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट. अब जो ऑब्जर्वेशन होते हैं तो वो बार ग्राफ या पाई चार्ट से ही आपको बताया जा सकता है. तो आपको ये दिया गया है, जैसे एग्जाम्पल दिया गया कि एक टेबल बनाओ, इसमें 20 साल पहले चले जाओ और आज का जो है उसके दो पाई चार्ट बना दो या बार ग्राफ बना दो आप. ठीक है, अब एक में तो इन्होंने बार ग्राफ बनाया, 20 साल पहले इतना पानी कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता था, इतना रोज़मर्रा के काम के लिए, इतना जानवरों के लिए और इतना अदर पर्पस. ओके स्टूडेंट्स, अब ये मैंने बताया था आपको, जैसे 20 साल पहले का इन्होंने बार ग्राफ बनाया है जिसमें कुकिंग और ड्रिंकिंग में इतना पानी लग गया, डेली यूज में इतना लग गया, जानवरों के लिए इतना लग गया, दूसरे पर्पस लग गया. जो 20 साल पहले था उसमें कुकिंग और ड्रिंकिंग के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता था, जानवरों के लिए ज़्यादा होता था, डेली यूज़ में कम होता था, दूसरे कामों में भी डेली यूज़ में कम होता था, दूसरे कामों में भी लग जाता था, लेकिन सबसे ज़्यादा एनिमल्स के लिए और वो होता था. आज के टाइम में कुकिंग और ड्रिंकिंग में सबसे ज़्यादा लगता है, डेली यूज़ में उससे भी ज़्यादा लगता है, और जानवरों के लिए और दूसरे पर्पज़ के लिए पानी कम मिलता है. तो ये आपके चैप्टर में आप देखो, जैसे अकॉर्डिंग टू बार ग्राफ क्या परसेंटेज निकलता है आपको वो बताना है. उसके अलावा इस चैप्टर में आपने जैसे सीखा है कि कुछ चीज़ें हैं वो पानी में घुल जाती हैं, कुछ नहीं घुलती हैं, कई तैरती हैं, कई डूब जाती हैं. पानी में तेल नहीं घुलता है. जो लिक्विड चीज़ होती हैं उनको हम लीटर में करते हैं, जो सॉलिड चीज़ होती हैं उनको हम किलोग्राम में करते हैं. तो ये आपका चैप्टर था जो कम्प्लीट हो गया. अब दोनों चैप्टर्स